महादेव से हमें वर तो मिल गया, किंतु उस वर की पुष्टि करनी होगी। अपना हाथ दीजिए स्वामी। देवी, आप जो कर रही हैं वो उचित नहीं है। सब उचित है, आप व्याकुल ना। माते, देवी पौलमी ने अपनी क्रीड़ा आरंभ कर दी है, कुछ कीजिए शीघ्र, अति शीघ्र। आपके भक्त को आपके सहायता की आवश्यकता है माते। माते, देवी पौलमी के प्रभाव को आप अपनी शक्तियों से नहीं रोक सकती माते, उन्हें महादेव का वरदान प्राप्त हुआ है। आग कैसे लगी? और तुम ठीक हो? हम तो ठीक है इंद्रेश, पर दीदी उनका पूरा हाथ जल गया है। तुमको वहां बिठाओ, हम टूथपेस्ट लेकर आते हैं। दीदी आपका हाथ तो पूरा जल गया, चलो। ये लो स्वाति। आपका है आए बीच में, कितनी बुरी तरह से जल गए हैं आपके हाथ। अरे कुछ नहीं हुआ हमें, तुम चिंता मत करो। कैसे कुछ नहीं हुआ है? साफ दिख रहा है आपको कितनी पीड़ा हो रही है। बेमतलब हमने आपको चोट पहुंचा दी, इससे तो अच्छा होता कि हमें ही जल जाते। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारे आने का क्या मतलब, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपने देखा स्वामी, देखिए महादेव ने हमारे साथ छल किया है। देवी संतोषी ने हमारे प्रभाव को पुनः प्रभावहीन कर दिया और उनकी भक्त बच गई। देवी ईशावश कुछ मत कहिए, देखिए देवी संतोषी देव रूप में नहीं अपितु मनुष्य रूप में अपनी भक्त की रक्षा कर रही है, जैसे कोई भी साधारण मनुष्य करता है। यदि उनके साथ उनकी देवी शक्तियां होती तो क्या उनको इतनी पीड़ा होती? परंतु स्वामी आप, देवी अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। क्षमा कीजिए महादेव, किंतु आज एक देवी मनुष्य के समक्ष हीन लग रही है और ये सब केवल आपके एक वर के कारण हो रहा है। देवी देवता सदैव से मनुष्यों की रक्षा करते आए हैं, किंतु
आज एक देवी सहायता करने के लिए भी असमर्थ है। ये कैसी विवशता है, कैसी विडंबना है। हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं महादेव, उत्तर दीजिए। महादेव उत्तर दीजिए। प्रतीत होता है आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते। उचित है महादेव, हम स्वयं जाएंगे देवी पौलोमी से भेंट करने और उन्हें आभास कराएंगे कि देवी संतोषी हमारी पौत्री है, साक्षात शक्ति स्वरूपा पार्वती की पौत्री, और उसे कष्ट देने वालों को हमारे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दादी पार्वती अत्यंत क्रोधित है, कहीं वो क्रोध में आकर कुछ अनर्थ ना कर दें। नारायण नारायण। महादेव नेत्र खोलिए। महादेव महादेव, माता पार्वती अत्यंत रोष में देवी पौलमी से भेंट करने हेतु गई है। यदि देवी पौलमी ने उनसे कोई दृष्टता की तो अनर्थ हो जाएगा। महादेव इस अनर्थ को मात्र आप ही रोक सकते हैं। कृपा करके अपने नेत्र खोलिए महादेव। महादेव तो ध्यान में लीन है, अब हमें ही माता पार्वती को रोकना होगा। नारायण नारायण। देवी पौलमी, देवी पौलमी, देवी पौलमी, देवी पौलमी, देवी पौलमी, देवी पौलमी, आपको आपकी दृष्टता का परिणाम अवश्य मिलेगा। नारायण नारायण। रुक जाइए माते, कृपा करके अपने क्रोध को शांत कीजिए माते और लौट चलिए कैलाश। हमारे मार्ग से हट जाइए देवर्षि नारद, अन्यथा उचित नहीं होगा। क्षमा कीजिए माते, किंतु हम आपके मार्ग से नहीं हटेंगे और आपको आगे बढ़ने भी नहीं देंगे। माते हमें पूर्ण विश्वास है माते, यदि आप शांत हृदय से इस विषय पर विचार करेंगी तो हमारी इस दृष्टता को क्षमा कर देंगी। माते क्रोध से लिया हुआ हर निर्णय सदैव भी अनुचित होता है, तनिक विचार कीजिए माते, कृपा करके कैलाश लौट चलिए माते, अपने क्रोध को शांत कीजिए। हमारे मार्ग से हट जाइए देवऋषि नारद, अन्यथा युद्ध के लिए तत्पर हो जाइए। माते ये क्या कह रही हैं आप? माते आपने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया? युद्ध वो भी आपसे? माते कदापि नहीं। माते ये विचार तो हमारे स्वप्न में भी नहीं आ सकता। माते हमें आज्ञा दे। माते नारायण नारायण। देवी पौलमी, देवी पौलमी, देवी पौलमी, देवी पौलमी। देवराज, देवी पार्वती तो अपने नेत्रों में क्रोध की ज्वाला लेकर आ रही है, वो मृत्युलोक से यहाँ कैसे आ सकती है? देवी वो अनंत है, परमेश्वरी है, शक्ति स्वरूपा है। मृत्युलोक तो क्या, वो चाहे तो किसी भी लोक में भ्रमण कर सकती है। उन्हें उनके तप के कारण भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पे रहते हुए भी समस्त लोकों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। उत्तम देवेंद्र, देवी पार्वती की स्थान और पद की बड़ी प्रतिष्ठा है आपके मन में, किंतु अपनी पत्नी के विषय में
तनिक भी विचार नहीं करते। अब शीघ्र बताएं हम क्या करें। आप शीघ्र ही किसी गुप्त स्थान पर चली जाएं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। हमने तो केवल महादेव के दिए गए वर का प्रयोग किया है। हम अदृश्य नहीं होंगे। ये वाद विवाद का क्षण नहीं है देवी, हमारा परामर्श माने और शीघ्र किसी गुप्त स्थान पर चली जाए, ये आग्रह हमारा। स्वाति क्या सोच रही हो? सही कह रही हो स्वाति, और आज तो तुम्हें बचाते बचाते उनके हाथ भी चल गए थे। ये जिंदगी बड़ी अजीब है, कभी कभी जो लोग अजनबी होते हैं वो अपनों से भी ज्यादा रिश्ता निभा जाते हैं, और जो लोग अपने होते हैं वो अजनबी बन जाते हैं। तुम्हारे साथ तो झोपड़ी भी महल ही लगती है वैसे। इसका एक एक तिनका बड़े प्यार से रखा है हमने, तुमने और दीदी ने। कभी कभी हमें लगता है कि दीदी के हम पर बहुत एहसान हो गए ना, पता नहीं उनका ये कर्ज कैसे चुका पाएंगे हम। फिलहाल हमरी तो कोई हैसियत नहीं है अभी, पर हम दुआ तो कर ही सकते हैं ना इंद्रेश। हे माँ संतोषी, हमरी दीदी की हमेशा मदद करना। जो भी कष्ट उन्होंने हमरे लिए उठाए हैं उनको उनसे हमेशा दूर रखना। यदि आप हमारे समक्ष नहीं आए तो हम आपके संपूर्ण स्वर्णलोक का ही विध्वंस कर देंगे। त्राही माम त्राही माम, क्षमा करें देवी, किंतु आपके क्रोध के भय से हम प्रकट नहीं हुए। देवराज इंद्र, हमें आपसे नहीं अपितु देवी पौलमी से ये ज्ञात करना है कि उन्हें हमारी पौत्री संतोषी से अंततः समस्या क्या है, वो क्यों उनके साथ बार बार टकराव की स्थिति उत्पन्न करती हैं। देवी आप शांत हो जाएं, हम समझाते हैं देवी पौलमी। देवी पार्वती, हमें देवी संतोषी से वही समस्या है जो उन्हें हमसे है। देवी संतोषी संतोष की देवी है, और देवी पौलमी जहाँ संतोष व्याप्त होता है वहाँ ईर्ष्या और द्वेष कभी उत्पन्न नहीं होता। प्रतीत होता है आप यहाँ जगत जननी देवी पार्वती के रूप में नहीं, अभी तो देवी संतोषी की दादी के रूप में यहाँ आई है। क्षमा कीजिएगा देवी पार्वती, किंतु महादेव की पत्नी का पक्षपाती होना शोभनीय नहीं है। देवी पौलमी, हमें ना बताएं कि क्या शोभनीय है और क्या अशोभनीय। हम आपसे केवल इतना कहने आए हैं कि आप हमारी पौत्री से दूर रहें,
अन्यथा परिणाम भयानक होगा। आप हमें भयभीत करना चाहती हैं। आपको स्मरण करा दें कि देवताओं के भांति हमें भी अमरत्व का वरदान मिला है, इसलिए ये तो निश्चित है कि आप हमारा वध नहीं कर सकते। हमारा आपसे आग्रह है कि आप तटस्थ रहें और हमें और देवी संतोषी को अपना कार्य करने दें। सावधान देवी, आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं। हम भले ही आपका वध ना कर सके, परंतु जब तक पुत्री संतोषी की भक्त जीवित है, तब तक के लिए हम आपको मूर्छित अवश्य कर सकते हैं। नारायण नारायण। दादी श्री, कहाँ हो आप? हमें बहुत पीड़ा हो रही है। बहुत पीड़ा हो रही है दादी श्री, आइए ना। पुत्री संतोषी, दादी श्री, बहुत पीड़ा हो रही है दादी श्री। शांत हो जाओ पुत्री, हम अभी इसका उपचार कर देते हैं। दादी श्री, हमें बहुत निद्रा आ रही है। माता संतोषी की लीला भी अपरंपार है। धन्य है आप माते और धन्य है आपकी लीला। नारायण नारायण। क्या हुआ जी, आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ, हमारी नींद डिस्को करने गई है, इसीलिए जाग रहे हैं। अरे नींद नहीं आ रही इसलिए नहीं सोए, क्या पूरी रामायण बताएं? देखिए जी, पिछले 35 सालों से हम आपके साथ हैं। इतने सालों में अभय झेल गया, घरमा चोरी हुई, गोलियां चली, लेकिन हमने आपको कभी परेशान नहीं देखा। आप पहली बार रात भर तब जागे जब इंद्रेश होने वाला था, और आज दूसरी बार हम आपको वैसे ही बेचैन देख रहे हैं। हम आपके कहने से मान नहीं लेंगे कि आपको यूं ही नींद नहीं आ रही। तो ना मान, तुम जाओ यहां से, हमारा माथा मत खराब करो।
गर्मी में भी चादर ओढ़ के सोता था गढ़ा। कई बार तो हमारी ही चादर खींच लिया करता था। आज तो थोड़ी ठंड भी है, पता नहीं कहां कुड़कुड़ा रहा होगा। बेवकूफ, महल का ठाठ छोड़ के झोपड़ी में रहने गया है।